हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले समोसे की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना लोगे तो आप इसके फैन हो जाओगे। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेंगे मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे आधा कप मैदा, एक छोटी चम्मच अजवाइन, नमक गिरेंगे स्वाद अनुसार या फिर एक छोटी चम्मच। इन सबको पहले करेंगे मिक्स, ये हो गए मिक्स। अब इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल मोइन के लिए, इन सबको मिक्स करेंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे इस तरह से आटा लग रहा है, कहीं समोसे तो नहीं बन रहे? नहीं, आज समोसे नहीं बने, बहुत ही मजेदार सा नाश्ता बनेगा। और ये भी हो गया अच्छे से मिक्स। ऐसे एक लड्डू सा बना के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा लड्डू आराम से बनना है, तो हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। अगर आपका ना बनना हो तो एक चम्मच तेल फिर से डाल लें। अब इसमें डालते हैं पानी, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। और इसे भी कर देंगे मिक्स और इसका लगा लेंगे डो। थोड़ा सा सख्त हमें इसका डो लगाना है, ज्यादा सख्त नहीं लगाना, हल्का सा ही सख्त लगाना है। डो भी लग गया और देखिए डो को हल्का सा ही सख्त रखना, ज्यादा सख्त नहीं रखना। जैसे मैं उंगली काट रही हूँ तो साफ चमक रही है। इसे कपड़े से ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब बना लेते हैं स्टफिंग। यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू लिए, आलू को करेंगे मैश। आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, पर ध्यान रखें आलू के मोटे टुकड़े ना हो। अब इसमें डाल दें कुछ मसाले, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक गिरेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से गजब का टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। बाइंडिंग के लिए डालेंगे 4 चम्मच अरारोट, अरारोट ना हो तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इन सबको कर देंगे मिक्स, इन सबको कर दिया है मिक्स और स्टफिंग हो गई रेडी। अब इसे एक साइड रखते हैं, 5 मिनट हो गए और अब आटे को भी देख लेते हैं। इसे मिल गया अच्छे से रेस्ट, इसे 1 मिनट के लिए मसल लेंगे। इसे मसल लिया है और अब इसमें से 2 लोई बना लेंगे इक्वल इक्वल साइज की और अब इनको गोल कर देंगे। दोनों लोई को गोल कर दिया है और अब इनमें से 1 लोई ले लेंगे। अब इसे बेलते हैं, बेलन से इसे बेलेंगे। अगर आपकी चिपक रही हो थोड़ी सी सूखी मैदा लगा ले, इसे रोटी की तरह बेलेंगे, लेकिन रोटी से बड़ा बेलेंगे और इसे ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे, पतला ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने इसे बेल दिया है और देखिए इसे ज्यादा मोटा नहीं रखा, थोड़ा पतला ही रखा है। अब लेंगे कोई गोल प्लेट और इसे रोटी के ऊपर रख देंगे इस तरह से। जो साइड के पार्ट निकल रहे हैं एक्स्ट्रा, चक्कू से इस तरह से कट कर देंगे, इससे रोटी हमारी गोल बनेगी। मैंने इसे कर दिया है कट और अब इसको निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, जो दूसरी लोई बची है उसमें यूज करेंगे इसको। और अब प्लेट को हटा देते हैं, इससे क्या रोटी हमारी गोल निकली है। रोटी के बीच में रखेंगे इस तरह की कोई छोटी कटोरी, बीच सेंटर में रखेंगे। अब लेंगे स्टफिंग, स्टफिंग को चारों तरफ फैला देंगे और अब इसको फैला देते हैं। स्टफिंग को पतली पतली लेयर से स्टफिंग को फैलाएंगे। स्टफिंग को चारों तरफ फैला दिया है, अब बीच वाली कटोरी निकाल देंगे। अब बीच में लगाएंगे हल्का सा पानी और अब इसको कट करते हैं। पहले बीच में से कट करेंगे और देखिए आराम से कट हो जाता है। अब इस साइड से कट करेंगे, अब इन दोनों लाइनों के बीच में से कट करेंगे। ये हो गया कट, ये हमारे 8 ट्रायंगल बन के हो गए रेडी। जो एक कोने हैं दोनों, इस तरह से खींचेंगे हल्के से और इस तरह से रोल कर देंगे, दबाएंगे फिर रोल करेंगे, दबाएंगे फिर रोल करेंगे। ये हो गया रोल, ये देखिए कितना मजेदार लग रहा है। इसे रखते हैं प्लेट में। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। एक ट्रायंगल के ये वाले पार्ट लेंगे, हल्का सा खींचेंगे और इस तरह से रोल कर देंगे, इसे दबा देंगे फिर आगे की तरफ करेंगे फिर। और देखिए ये भी रोल हो गया, ये भी कितने मजेदार लग रहे हैं। इसी तरह हम सभी को रोल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सभी को रेडी कर लिया है, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल यहाँ पे मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म होते ही डालेंगे अपना नाश्ता, एक बार में जितने आ जाए उतने डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सारे ही डाल दिए हैं और इसकी गैस लो टू मीडियम रखेंगे। कुछ देर के बाद इन्हें चम्मच से हल्का हल्का हिला देंगे। ये चम्मच से हल्के हल्के हिला दिए हैं, 2 मिनट तक हम इसी तरह सिकने देंगे। 2 मिनट के बाद इन्हें पलट देंगे। ये बहुत ही मजेदार नाश्ते की रेसिपी है। आप इस नाश्ते को सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम चाय के साथ बना सकते हैं
और इसे बनने में भी बहुत कम वक्त लगता है। आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हें चलाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक इनका कलर हल्का गोल्डन कलर का ना हो जाए। ये अच्छी तरह से सिक गए हैं, कलर चेंज हो गया है और देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। और इसकी गैस कर देंगे बंद और इन्हें निकालेंगे प्लेट में। ये हमारा बहुत ही मजेदार सा नाश्ता बन के हो गया रेडी। और देखिए कितना क्रिस्पी है, मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ इसकी आवाज कितनी क्रिस्पी आ रही है। और देखिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, मैं बिना टिश्यू पेपर के दिखा रही हूँ। और आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।